विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लेने विपक्ष नेता शहजाद खाने आक्षेप कर्या। जनताना पैसानो खोटो दुरुपयोग करवामां आवी रह्यो छे। एक वार्डना कार्यक्रम पाछळ 3 लाख थी वधु खर्च कर्यो छे। अमदावाद शहर में कुल 48 वार्ड आवेला छे, जेनी पाछळ अंदाजित 2 करोड़ थी वधुनो खर्च करवामां आव्यो छे। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में दररोज 200 बाळकों ने फरजियात राखवामां आवी रह्या छे। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन का प्रचार जनता के टैक्स के पैसों से शुरू किया गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनता अपने पैसे जो टैक्स के रूप में जमा कराती है, जिनकी प्राथमिक सुविधा के लिए दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पैसों को अपना चुटनी फंड और इलेक्शन फंड मान रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 48 वार्ड में घूमने वाली है और हर एक वार्ड में 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। एक कार्यक्रम का खर्चा 3 लाख रुपए है और ये पूरा खर्चा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करने वाली है, यानी कि जनता के जो टैक्स का पैसा है उससे भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन का प्रचार शुरुआत कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक कार्यक्रम में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल के 100 बच्चों को उपस्थित रखा जाएगा। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विद्यार्थी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उन्हें विद्यार्थी नहीं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता समझकर उनके पार्टी के कार्यक्रमों में और सरकारी कार्यक्रम में बुला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि प्रजा के टैक्स के पैसों से प्रजा को प्राथमिक सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से कमलम का फंड मांगकर अपना चुटी प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात का सख्त विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि ऐसे काम को रद्द करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से ये विनती करती है कि अपने चुटनी के इलेक्शन का जो फंड है वो अपने कमलम से लेकर आए, ना कि अहमदाबाद शहर की जनता के टैक्स के पैसों से चुटनी प्रचार किया जाए।